Good morning, friends. Just look at the view of the mighty Kanchenjunga. I'm sure it's just mesmerizing and awesome. You know, there is no word to explain. Like, main aur kya bolu isko, itna beautiful hai early morning ka, uska feel hi alag hai. So आज मोस्टली हम लोग रेस्ट लिए सेकेंड हाफ ऑफ द डे, और फिर सुबह हम लोग क्या किए, जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल पड़े. एंड सिंस हम लोग पिछले ऑलमोस्ट लाइक 5 दिन से ट्रैवल कर रहे थे, तो हम लोग सोचा कि क्यों ना थोड़ा रेस्ट लिया जाए. बट स्टिल पहले हम लोग आए ये टेमिटी टी गार्डन. यहाँ पे ऐसा कुछ देखने के लिए कुछ नहीं था. मेरा बाकी नौ जो मेरे साथ भैया लोग आए थे, भैया भाभी, उन लोग गए थोड़ा नीचे चल के गार्डन देखने के लिए. बट मैं ऊपर ही बैठा रहा और जस्ट नज़ारे का आनंद उठाया. तो क्योंकि नीचे ऊपर से ही बहुत बढ़िया लग रहा था, तो ये देखने के बाद फिर उन लोग आए और हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़े. लाइक इतना घना जंगल और उसके बीच में से ये रोड, यही लाइक हम लोग का प्लान था आज, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके गाड़ी लेके घूमते रहना. तो यही हम लोग का मेन मोटिव था. और हम लोग मतलब क्या बताऊं, मतलब सिक्किम का जो ब्यूटी आपको वहाँ पे जाने से ही पता चलेगा. मौसम काफ़ी मस्त था. तो घूमते घूमते फिर हम लोग ये नेक्स्ट डेस्टिनेशन पहुँचे. तो जैसे कि बोल रहा था कि ये नेक्स्ट डेस्टिनेशन भी काफ़ी बहुत ही बढ़िया है. इट्स अ बुद्धा पार्क ऑफ रावांगला. ये रावांगला पे है एंड इट इज़ आल्सो नोन एज तथागता स्थल, विच इज साउथ सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में आता है. एंड इसका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था 2006 को और ख़त्म हुआ 2013 को. इसमें जो आप बुद्धा स्टैचू देख रहे हैं, वो जो दूर पे ये ऑलमोस्ट 40 मीटर हाइट है, 130 फुट हाई बुद्धा स्टैचू है. एंड इट वाज इरेक्टेड लाइक वो बनाया गया था टू सेलिब्रेट 2550th एनिवर्सरी ऑफ गौतम बुद्धस बर्थ. और ये पूरा कॉपर से बना हुआ है, ऑलमोस्ट 60 टन्स ऑफ कॉपर इसमें यूज किया गया है. और जो बैकग्राउंड में जो माउंटेन है ये स्टैचू का, उसका नाम है माउंट नारसिंह. ये साइट इसलिए चूज किया गया है, इट्स वेरी रिलीजियस प्लेस. और ऑलरेडी यहाँ पे लाइक करीब 100 साल पुराना पिलग्रिमेज प्लेस था जिसका नाम है रावांग मॉनेस्ट्री. के अंदर म्यूजियम, फिर आपका मेडिटेशन सेंटर, ये सब भी है, लेकिन बंद था. इनॉग्रेटेड ऑन 25th मार्च 2013 को बाई 14th दलाई लामा. और फिर हम लोग निकल पड़े. वो देखने के बाद बस हमारे जो ड्राइवर भाई साहब थे प्रेम दौर जी, उनको हम लोग बोला कि यार जस्ट गाड़ी में घुमाओ दिखाओ. मतलब इतना बढ़िया है, क्या बोलूँ, नेचर, क्लाइमेट बोलिए,
लोग बोलिए, खाना बोलिए, स्थिति इतना अच्छा है, मैं क्या ही बताऊं। और उस दिन जो मौसम भी था बहुत बहुत बढ़िया था, काफ़ी ठंड था राह बंगला पे, और धूप निकलते ही हम लोगों मतलब थोड़ा राहत मिला, हालांकि थोड़ा क्लाउडी था जब हम लोग टेमिटी टी गार्डन पहुंचे थे इससे पहले। और अब देखिए, रोड देखिए, दोनों तरफ जो हरियाली, लाइक इट्स डेंस फॉरेस्ट एक्चुअली पूरा, और बीच में से बस रोड। और गाड़ी लेके अगर आप सिक्किम वेंचर कर रहे हैं अपना गाड़ी से, सो यू शुड बी वेरी गुड इन ड्राइविंग, क्योंकि रोड इतना चौड़ा नहीं है, नैरो है, ये चीज़ ध्यान में रखना ही पड़ेगा। बाकी तो मतलब क्या ही बोलूँ, सब कुछ बहुत सही था, बहुत सही था। स्पेशली मुझे ये मॉनेस्ट्री, पिछला वाला मॉनेस्ट्री, उसका जो एम्बियंस था बहुत ही अच्छा था, मतलब इतना पीसफुल था, क्या बोलूँ। हर एक जगह में रुकने का मन कर रहा था, और लग रहा था कि थोड़ा देर इधर बैठ जाऊँ, बस नेचर को देखूं और कुछ नहीं, मतलब मुझे तो जैसे कि मैं बोला, मुझे तो मतलब पहाड़ खींचता रहता है। तो हम लोग काफी दिन से घूम रहे थे, तो इसीलिए हम लोग सोचा कि नहीं बस थोड़ा रेस्ट ले ले। तो वो मॉनेस्ट्री देखने के बाद हम लोग बस घूमे गाड़ी में और अपना होटल के तरफ चल दिए बाई लंच टाइम वी गेट देयर। इसके बाद भी एक जगह हम लोग कवर किए, लेकिन उसका मेरे पास ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया था, तो इट वॉज लाइक वहाँ पे इट्स अ वन प्लेस वन शॉप स्टॉप फॉर ऑल द टेम्पल्स, वो जगह का मैं नाम भूल गया। वहाँ पे हर एक मंदिर का मॉडल स्ट्रक्चर बना हुआ था, अच्छा था, बढ़िया था वो भी, बट उतना मुझे खास नहीं लगा, क्योंकि इट्स ऑलवेज गुड टू गो एंड विजिट दोस प्लेसेस रादर देन, बहुत कमर्शियल लगा वो। तो अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली आप जा सकते हो और विजिट कर सकते हो, बट मेरे को वो प्लेस थोड़ा कमर्शियल लगा, लाइक ऑल द फेमस टेम्पल्स, लाइक पूरी जगन्नाथ से लेके फिर आपका तिरुपति मंदिर, फिर जो 12 या 8 जो लिंग महादेव है उनका मंदिर, अमरनाथ, ये सब मिला के एक ही जगह में सब मंदिर, फेमस मंदिर, मदुराई का टेंपल, और भी बहुत सारा टेंपल वहाँ पे था। इट्स मोर ऑफ ए कमर्शियलाइज्ड काइंड ऑफ थिंग मेरे को लगा, उधर हम लोग ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड ना करते हुए हम लोग निकल पड़े, और बस उसके बाद हम लोग रेस्ट लिए होटल में, पहुंचने के बाद लंच किए और रेस्ट लिए। सो डू शेयर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन, अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है, सो डेफिनेटली कमेंट। आई नो ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो गया और कुछ इतना दिखाने लायक था नहीं, बट डेफिनेटली ये घूमना गाड़ी में बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, और ये काइंड ऑफ हाफ डे हम लोग पूरा रेस्ट ही लिए, तो इसीलिए इस वीडियो में, डे 4 का वीडियो में उतना कुछ हम कवर नहीं किए।
जैसे कि मैं बोला, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, शो योर सपोर्ट एंड लव। अगर विदाउट योर सपोर्ट आई कैन नॉट ग्रो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। थैंक यू।